छात्रावास क्या है, ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में आता है। बहुत सारी बातें नेगेटिव सामने आती हैं। आइए आज जानते हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की छात्रावास की वार्डन डॉक्टर नम्रता शर्मा से। मैम आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। मैम किस तरीके से आप बच्चों को अवेरती हैं हॉस्टल में और कितने टाइम से आप यहाँ पे हैं? विश्वविद्यालय में आज 14-15 साल हो गए। पहले तो सिर्फ वार्डन होते थे और अभी पिछले 10 साल से यहाँ पे पाँचों गर्ल्स हॉस्टल के चीफ वार्डन के रूप में मेरी पोस्टिंग हुई है। पहले के समय में और अभी के समय में देखें तो काफ़ी फ़र्क आया है। पहले बच्चे काफ़ी अलग तरह से होते थे, इन द सेंस कि वहाँ पे उस समय शायद इतने बच्चों के पास मोबाइल और टीवी वगैरह शायद नहीं होते थे, पर ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते थे। अभी थोड़े अभी भी हैं डिसिप्लिन में, पर बच्चे क्या हैं थोड़े से अभी अपने सेल्फ सेंटर ज़्यादा हैं। वो मोबाइल्स में अपने वाईफाई मिल गया तो वो अपनी खुद की ज़िंदगी में मगन रहते हैं। डिसिप्लिन में तो अभी भी हैं, क्योंकि डिसिप्लिन हमें रखना ही हॉस्टल में हम लोगों को बोला है कि बच्चों को तो डिसिप्लिन सीखना है, तो वो हॉस्टल में आते हैं तो डिसिप्लिन भी सीखते हैं। घर पे तो नेचुरली माँ बाप का एक प्यार मिलता है और एक कब किस समय उठ रहे हैं सो रहे हैं, तो यहाँ सब कुछ अपना सीखते हैं करते हैं, खुद अपना काम करना पड़ता है, तो बहुत सी चीज़ें हॉस्टल में सीखते हैं। और ख़ासकर मैं मानती हूँ लड़कियों को ज़रूर हॉस्टल में जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी हॉस्टल में रही हूँ। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है हॉस्टल में रहने से। आप अपने डिसीशन खुद लेते हैं, आप जब काम अपने से खुद आपको करना पड़ता है, क्योंकि घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, सब आपको बहुत हेल्प करते हैं, पर जब यहाँ आते हैं तो वो आपको हेल्प जो है खुद को अपनी हेल्प करनी होती है। बाकी हम लोग तो रहते ही हैं, हम लोग तो खैर। किस प्रकार की मैम तकलीफ़ें आती हैं और इतने सारे बच्चे आप हैंडल करती हैं, क्या टाइमिंग रहता है? कई बार आज का जो ज़माना है नाइट लाइफ का भी है, इंदौर में जैसे नाइट लाइफ भी चालू हो चुकी है, तो मैम किस तरीके की तकलीफ़ें आती हैं? तकलीफ़ तो मुझे नहीं कहना चाहिए। बच्चे तो जैसे हम लोगों का टाइम है सवेरे 6 बजे से रात के 8 बजे तक, और संडे इसको क्योंकि एक टाइम खाना मिलता है तो 8:30 बजे तक हम लोगों ने उनकी एंट्री टाइम रखी है। और जब बच्चों को कुछ फंक्शन रहता है या कुछ इवेंट्स रहते हैं या उनकी बर्थडे रहती है या कॉलेज की तरफ से भी कुछ इवेंट्स होते हैं, तो हमसे वो लेट एंट्री परमिशन हमसे लेके जाते हैं और विदिन 10 o'clock तक हम लोगों को परमिशन 10 बजे तक, एक्सेप्शनल केस में 10:30 बजे तक के देते हैं, अदरवाइज 10 बजे तक के लेट एंट्री हम लोग देते हैं। तो बच्चे लेट एंट्री ले करके जाते हैं और उतने पीरियड तक आ जाते हैं। तकलीफ़ तो मैं नहीं बोलूँगी, कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ बच्चे बिना लेट एंट्री परमिशन भी 11-11 बजे तक बाहर रहते हैं, तो फिर जब वो आते हैं तो नेचुरली एक हमें भी एक एंग्जाइटी हो जाती है कि भाई यदि ये रास्ते में इनके साथ में कुछ हो जाए, फिर लोग तो समझते नहीं है, बच्चे भी नहीं समझते, और फिर पेरेंट्स तो आके सीधे हम लोगों से क्वेश्चन करते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपने ध्यान नहीं रखा। तो उससे ये होता है कि उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता कि वो इतने देर से घूम के आ रहे हैं 12 बजे, और हमारे लिए भी एक थोड़ा टेंशन वाला, क्योंकि ये सिटी को इतनी सेफ तो है नहीं कि उनके साथ कुछ दुर्घटना या घटना ना हो, तो एक वो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि भाई ये बच्चे हैं, कल को इनको समझाते भी हैं कि आपको यदि इस तरह से कभी आपको मालूम नहीं है कभी आपके साथ कुछ ऐसे कुछ घटना हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम पे फिक्स होती है, तो थोड़ा सा एक एंग्जाइटी रहता है। और बाकी उनको समझा देते हैं, उनसे लिख के हम राइटिंग में ले लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप इस तरह का कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, नहीं तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन। मैम एक सवाल ये आता है, हॉस्टलर सीनियर जूनियर रहते हैं, रैगिंग एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारी मतलब उंगलियां उठती हैं। एक्चुअल आपके सामने कई ऐसे मामले आए होंगे, तो जैसे जांच वगैरह भी होती है, तो उसमें क्या सबसे ज़्यादा आता है सामने? गर्ल्स हॉस्टल का जहाँ तक सवाल है, जैसे मैंने बोला कि आज एज अ वार्डन ही मुझे यदि देखें तो आज 15 साल हो गए हैं यहाँ पे एज वार्डन एंड द चीफ वार्डन, जैसे मैंने बोला 10 साल से भी 9.5 साल तो हो ही गए। तब जब मैं यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में अभी तक कोई भी रैगिंग की ऐसी घटना हुई नहीं है। जो भी रैगिंग के केसेस हुए हैं वो मोस्टली वो बॉयज़ हॉस्टल में ज़्यादा हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर को करते हुए ध्यान में रखते हुए
जितने भी नए बच्चे आते हैं, नए स्टूडेंट्स आते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि उनके लिए उनका हॉस्टल ही अलग हो जाए। तो यहाँ पे जो न्यू कमला नेहरू गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पे सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हमने रखे हैं, उनको एडमिशन यहीं पे देते हैं और उनको वहीं अलॉट होते हैं रूम्स। फिर भी कुछ बच्चे हैं जो नहीं, जिनको मिल पाता है, तो वो दूसरे हॉस्टल्स में भी उनको एडजस्ट करते हैं, बाकी चार हॉस्टल्स में। लेकिन रैगिंग के नाम पे, अभी रैगिंग कभी स्टूडेंट्स में, गर्ल्स स्टूडेंट्स में स्पेशली मैं बताऊँ, वहाँ पे कभी हमें ऐसा हो जिससे आपको बहुत परेशान किया हो? नहीं, मुझे तो लगता है कि शुरू शुरू में जब बच्चे आते हैं तो कुछ कुछ बच्चे थोड़े इनसिक्योर होते हैं, वो घर से दूर होते हैं, माँ बाप से दूर होते हैं, तो कभी कभी रोते हैं और आके मेरे सामने कभी कभी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं कि हमें नहीं अच्छा लग रहा है, या कोई भी चीज़ बताते हैं और वो डिस्टर्ब रहते हैं। तो फिर मैं उनको काफ़ी एज अ पेरेंट, जैसे क्योंकि मैं खुद दो लड़कियों की माँ हूँ और वो बच्चे भी बाहर हैं, तो मैं उनको बहुत कहती हूँ भाई मैं भी हॉस्टल में रही हूँ और कोई प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम मेरे पास आप लेके आओ, मैं जितनी कोशिश करूँगी, जितना मैं मतलब कर सकती हूँ, मैं आपके लिए ज़रूर करूँगी, और आप हिम्मत रखो और आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है, और मेरे ख्याल से आप फ्यूचर में मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो जॉब करेंगे ही सही, तो थोड़ी सी हिम्मत रखो। और यदि कोई भी आपको लगता है आपको होम सिकनेस होती है, तो माय डोर इज़ ऑलवेज ओपन, आप कभी भी आइए मेरे पास में और आई एम ऑलवेज़ देयर। जब भी कोई भी तरह का सपोर्ट चाहिए या बीमार भी होते हैं, तो जैसे इमीडिएटली मैं उनको बोलती हूँ आप इस हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जहाँ कुछ टाई अप है हमारे हेल्थ सेंटर में, तो उन बच्चों को वहाँ भेजते हैं और डॉक्टर्स से भी उनका बीच में भी हम लोगों ने हेल्थ चेकअप वगैरह भी कराया कि उनके ब्लड काउंट के लिए और उनका वेट के लिए। तो कुछ इश्यूज हैं, लड़कियाँ खाती नहीं हैं, डाइटिंग कर रही हैं, अच्छा खाना नहीं खाती हैं, बाहर से खाना खाती हैं, बीमार पड़ती हैं, स्पेशली जब इनके एग्ज़ाम्स होते हैं तो ये स्ट्रेस में, कुछ बच्चे हैं जो फेंट हो जाते हैं रात को, फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आती हैं, छोटी मोटी ही हैं, अब तो खैर मेरे यूज़ टू हो चुकी हूँ। लेकिन एक जो एक इवेंट है या एक ऐसा कुछ हादसा हुआ था जो मुझे काफ़ी जिसने डिस्टर्ब किया था, एक कहीं अफ्रीकन कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ आई थी, वो उसको जो है वो प्रेगनेंसी का पता ही नहीं था कि दैट शी वाज एक्सपेक्टिंग, और फिर यहाँ पे जो है आके यहाँ रहने लगी, और फिर उसने जो बताया कि मेरा आई एम एक्सपेक्टिंग, तो फिर उस समय बड़ा मतलब वो लगा कि इसका अब कैसे होगा, सब कुछ कैसे मैनेज होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, एंड काफ़ी पोस्ट डॉक करने के लिए आई थी बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई थी, और मैंने ही उसको हॉस्पिटल, जब उसको ये पेन स्टार्ट हुआ तो मैंने यहाँ एप्पल में उसको एडमिट कराया, लेकिन बिकॉज उसको शायद सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम था जो यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आया, तो शी वॉज नो लाइक शी एक्सपायर्ड, एंड उसकी बेबी जो थी उसने जब डिलीवर किया, फिर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था क्योंकि उसके लिए फिर यहाँ पे वो कमीशन से वहाँ आता, तो अब इतना बड़ा अमाउंट फिर यूनिवर्सिटी ने शायद पेमेंट किया और उसकी सिस्टर आई और वो बेबी को लेके गई। सो उस पर्टिकुलर पीरियड में तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल में थे मैं एज अ वार्डन, एज अ चीफ वार्डन, मुझे भी समझ में नहीं आया कि कैसे उनको हेल्प करें। लेकिन फिर फाइनली यहाँ से प्रशासन को दिल्ली से फ़ोन आया, दिल्ली से जब फ़ोन आया तो कलेक्टर होते थे, नाम भूल रही हूँ, बट फिर उनका जब उन्होंने इंटरवीन किया तो फिर सब हरकत में आए, यूनिवर्सिटी के लोग भी, और फिर उस सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करी और फिर फाइनली वो बच्चे को लेके गई यहाँ से। तो जब तक कि वो यहाँ वो हॉस्पिटल में बच्चा था और जब तक उनकी सिस्टर नहीं आई, तो वो एक ऐसा केस था जिसने मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था। अदरवाइज ऐसे छोटे मोटे जो केसेस होते हैं उससे तो हम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि मैं जैसे ऐसे ने बोला कि मैं खुद भी हॉस्टल रही हूँ और काफ़ी समय से हॉस्टल की वार्डन हूँ, एज अ चीफ वार्डन भी अब काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है लड़कियाँ वैसे तो काफ़ी पीसफुल और डिसिप्लिन है, अनलाइक बॉयज़ में थोड़ी ज़्यादा रैगिंग वगैरह के केसेस आते हैं। एक रीज़न और था इनको हटाने का, जैसे क्या होता है बच्चे आजकल थोड़े टॉलरेंस जिनमें कम होता जा रहा है, और जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं और वो सीनियर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारी बात माने, जैसे खाना हम पहले खाएंगे या वॉशरूम हम पहले यूज़ करेंगे, तो वो क्या है थोड़ा कभी कभी उनको बोल देते थे, तो उनको लगता था कि हमारी को ये रैगिंग टाइप की हो रही है। तो इन सबको भी अवॉइड करने के लिए फिर अब यही हो गया है कि इनको फर्स्ट ईयर वालों को न्यू कमला नेहरू में इनको रखा जाए, और कुछ बच्चे जो नहीं भी रह पाते हैं न्यू कैंजेट में, जैसे स्पेस कम है, रूम्स कम है, तो फिर भी सच कोई बहुत एक्सट्रीम रैगिंग केस
कभी हमारे सामने गर्ल्स के हॉस्टल्स में नहीं आई है। ये थी डॉक्टर नम्रता शर्मा जो कई सालों से गर्ल्स हॉस्टल को संभालती आ रही हैं, यहाँ सब बच्चों को संभाला है। इंदौर से सचिन बहरानी, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।